वीर गुजर जाति ने अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया। गायत्री माता जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी रही, नंद बाबा जो भगवान कृष्ण के पालक पोषक रहे, राधा जैसी गुजरी जो भगवान कृष्ण की संगनी रही, सवाई भोट जैसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने वचनों के लिए रानी जयंती को अपना शीश काट कर दे दिया, साधु माता जैसी गुजरी पैदा हुई, भगवान देव नारायण ने कमल पुष्प में अवतार लिया और साधु माता की झोली में आकर खेले, ऐसी ऐसी गुजरियां पैदा हुई, पन्ना ढाए जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए, विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजा किसानों को लूटा करते थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर किसानों को मजबूत किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महापुरुष पैदा हुआ जिन्होंने पूरे देश के राजा महाराजाओं की विरासत को एक करके नव भारत का निर्माण किया, धन सिंह जी कोतवाल हुए जो सबसे पहले मेरठ में गुजर चौक से अंग्रेजों से लड़ने का बिगुल बजाया और सबसे पहले गुजर शहीद हुए। इस वीर गुजर जाति ने लाखों बच्चों की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने वाले आप गुजरों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी बदमाश समुदाय कहकर पुकारा था। कालांतर में जब गुजरों ने अंग्रेजों का खुलेआम कत्लेआम शुरू कर दिया तो इन गोरों की सरकार ने आपको बागी घोषित कर दिया। इसी वजह से आप गुजरों ने जंगलों और पहाड़ों में रहना शुरू कर दिया और संभवतः इसी वजह से आप गुजर पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। आप गुजरों की कुर्बानियों की बदौलत आज हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बन गया है और अब समय आ गया है हिंदुस्तान की सरकार को इस गुजर समुदाय के हितों के लिए सोचना चाहिए।